भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद ट्रैफिक सिस्टम को भी सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। ट्रैफिक को दुरुस्त करने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। 14 दिसंबर से शुरू हुई इस व्यवस्था में अब तक 11 स्थानों पर ड्रोन उड़ाए जा चुके हैं। कैमरे को ट्रैफिक कंट्रोल और सिटी सर्विलांस से जोड़ा गया है, जिसे पुलिसकर्मी लाइव देख सकेंगे। रविवार के सुबह व्यस्त समय में नादरा बस स्टैंड, भोपाल टॉकी चौराहा और अल्पना तिराहे पर ड्रोन उड़ाया गया। इस दौरान मिले फुटेज का विश्लेषण करने पर जाम की तीन बड़ी वजह सामने आई। इन तीनों क्षेत्रों में लेफ्ट टर्न क्लियर नहीं है, इस वजह से रोड रेड लाइट पर उन वाहनों को भी रुकना पड़ रहा जिन्हें मुड़कर बाई तरफ जाना है। ऐसे वाहनों के कारण भी चौराहे तिराहे पर वाहनों की लंबी कतारें लग रही है।